लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश भर में मुसलमानों का आज पवित्र रमज़ान का 17वां रोज़ा है और जैसे जैसे रोज़े बढ़ते जा रहे हैं मुसलमानों को मीठी ईद का इंतज़ार है, ईद के त्यौहार का इंतज़ार है। सोलापुर शहर के इस वक्त मीना बाज़ार में मेरी मौजूदगी है, जहाँ कई सालों से मुस्लिम समुदाय का जो रमज़ान का त्यौहार रहता है उसके लिए जो चीज़ें होती है, मसाले का सामान होता है, और ख़ास कर के लिए जो महिलाएँ बड़े उत्साह से इस बाज़ार में ख़रीदी करने के लिए आती हैं, सोलापुर शहर हो, सोलापुर शहर का ग्रामीण भाग हो, ख़ास महिलाओं के लिए और नौजवान लड़कियों के लिए बाज़ार फेमस माना जाता है। ईद के लिए जो मसाला लगता है या ईद से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं इस मीना बाज़ार में सस्ते दामों में मिलती है। इस साल जो मीना बाज़ार के अध्यक्ष चुने गए हैं वो इमरान सालार चुने गए हैं। इस वक्त हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और मीना बाज़ार को लेकर क्या कुछ जानकारी है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष आपको चुना गया है, क्या फील हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया है? जिम्मेदारी मुझे डाले है कमेटी के तमाम मेम्बरान मिलकर, बुजुर्ग मिलकर मेरे ऊपर जिम्मेदार डाले कि इस बार मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊं। मैं अपने सोलापुर शहर के जनता का खिदमत करूं। इस साल मुझे ये मौका दिया गया है, मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ तमाम कमेटी का। अभी मीना बाज़ार कितना भरा है, कितने फीसद भरा है? अभी 60% पर मीना बाज़ार भर चुका है, 40% है वो इंशाल्लाह 20 या 22 रोजे तक कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो मीना बाज़ार में हर साल, इस साल क्या कुछ खास महिलाओं के लिए, सोलापुर वासियों के लिए क्या कुछ क्या नया आया है? महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ही हमने जो है ना बीच में जो पलंग लगते थे, बीच में जो गाड़ियाँ लगती थी लाइन, क्या तो गर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, महिलाओं को धक्का बुक्की का खतरा रहता था, तो इसलिए हमने बीच के जो पलंग हैं उन्हें हटा दिया है। जैसा कि आप अध्यक्ष चुने गए हैं, यहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला है, उसके लिए क्या कुछ निवेदन है, क्या जी पार्किंग के लिए भी हम महापालिका के स्कूल हैं उनसे मांगनी कर रहे हैं कि हमें पार्किंग के लिए जगह दें। क्या आह्वान करना चाहेंगे सोलापुर वासियों को हमारे चैनल पर? मैं सोलापुर वासियों को चाहे हिंदू मुस्लिम तमाम सिख ईसाई सभी भाई बहनों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इस शहर में अमन बरकरार रखें, शांतता बरकरार रखें, ईद का त्यौहार है, खुशियों से मिलजुल कर मनाएं। ओके।